जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दामोदर राव, और अभी आप लोगों से हमने कहा था, मतलब वादा नहीं किया था कि अभी हम लोग कुछ देर में लाइव होंगे। हमारी दीदी बैठी हुई है बगल में, तृप्ति शाक्या जी, काफ़ी नमस्ते मशहूर। आप सबको। जी, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कई गानों से प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे गाने, धार्मिक से लेके और बिहार नए सुधरी तक और प्यार के बुखार तक बहुत भी, सारे अलग अलग बहुत सारे हर हैं। टाइप के, लेकिन ज़्यादा भक्ति ही गाना है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। देश विदेशों में इस गाने को गाया जाता है। हम तो यहाँ तक देखे कि एक प्रोग्राम में भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ने इस गाने को गाकर महफिल को कलरफुल वो बनाए। हमेशा अपने प्रोग्राम में ये हाँ, भजन ये जरूर गाते गाते हैं हैं और मुझे क्यों? हमेशा बताते हैं। हाँ, बड़ा खुश थे वो देखे कि मैं तो वही गाऊंगा, ऐसी लागी लगन। आज फिर भक्त जो है कम झूमते हैं, लेकिन रोमांटिक बनाने के लिए भजन को कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो ये गाना ईश्वर की बड़ी कृपा है, इनके गले में माँ सरस्वती का वास है। और मेरा सौभाग्य है कि आज फिर हम लोग, काफ़ी दिनों के बाद गाना रिकॉर्ड किया गया। ये हमारा वही सैड गाने हैं, हिंदी गाने हैं। और बहुत ही सुंदर गाना है। मैंने दो गाने आज डब किए हैं रिदम म्यूजिक स्टूडियो में, जी और दामोदर जी का ये स्टूडियो है, बहुत ही प्यारा स्टूडियो है, सुंदर, आप सब देख पा रहे छोटा हैं। है अभी नहीं, छोटा है बट बहुत ही खूबसूरत है। और अभी अभी बस रिकॉर्ड करके फुर्सत हुए तो दामोदर जी ने कहा कि चलिए लाइव आते हैं और अपने फॉलोवर्स को भी बताया जाए कि दो गाने अभी डब किए हैं और और सैड सॉन्ग्स हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं। इसके बहुत पहले भी आपके कई गाने आ इसके चुके हैं। पहले भी मैंने आपके लिए गाया है और आज जो दो बेहतरीन गाने गाए हैं वो भी बहुत जल्द आप सबको सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहिएगा बहुत दामोदर सारे जी। मित्रों का कमेंट आने लगा, दिलीप यादव जी, जी, प्रकाश प्रकाश सिंह, सिंह जी। तो गाने तो आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल तो आपको लिप सिंक कर ही लेना पड़ेगा, जी, क्योंकि अभी मैं गाना हाँ स्टार्ट बिल्कुल, करूँगा। गाना सुना दिया हाँ, जाए। गाना सुन, आप फाइनल लिप सिंक दीजिएगा तेरे बिना। मिस्टेक होता है कभी कभी, चिंता मत कीजिए। तो ये गाना है, मुझे विश्वास है कि ये गाना काफ़ी पसंद आया आप लोगों को, कई कमेंट सारे आए। और गोपाल शर्मा जी, किशोर सेलार जी, गंगा प्रजापति जी, बहुत सारा कमेंट आया, लेकिन हम लोग अपनी धुन में हैं इसलिए नाम कम ले पा रहे हैं। मोनू मिश्रा जी, प्रकाश सिंह जी, दिल को और छू गया, प्रकाश सिंह जी हाँ ने लिखा है। किशोर थैंक यू सेलार वर सो नाइस। मच, आपको हमारी मेहनत पसंद आई और और बाकी दामोदर जी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा भी है और बहुत ही अच्छी धुन बनी है इस गाने की। देखिए, बहुत एक और मित्र हैं, मुकेश ढिंडोर जी, जी, तो ढिंढोर, अरे और वाह अलग अलग मित्र होते हैं भाई, तो अच्छा नाम, हाँ इसमें कोई ये नहीं है, आदित्य तो राजा जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, हाँ मोहन, अब मोहन ढाका। मोहन हाँ, तो ढाका। नाम के चिंता मत कीजिए, नाम तो बहुत अनेक प्रकार के एक से एक मिलेंगे। नाम है। हाँ, सब अलग अलग प्रकार के मित्र होते जी हैं, छोटे बड़े, नाटे ठीने, लंबे जी हर गोल, प्रकार के। गोरे काले, सब अलग अलग, देखिए वेरी क्यूट। चलिए, सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और बस आप लोग का प्यार दुलार बनी रहे। लेकिन मैं चाहूँगा तृप्ति दीदी से कि अपना जो सबसे प्रसिद्ध भजन है वो सुनाएंगे। आजकल कॉपीराइट का मामला है, लेकिन देख लिया जाएगा, फेसबुक का चलेगा, एक लाइन सुनाए। जरूर, हाँ, ताकि ये बड़ा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है हमारे जैसे लोगों बिल्कुल को, तो आज मौका मिला है तो हम लोग बाज ना आए। उस गाने बिल्कुल। को आप थोड़ा सुनाइए, ताकि सुने कि वाकई जरूर, आप ही का आप गाना है वो। फेसबुक से जुड़े इस वक्त सभी जितने भी प्रशंसक हैं आपके लिए दो लाइन। और आपके साथ फेसबुक आने पे क्या है कि थोड़ा सा दो चार कमेंट ज्यादा मिल जाएगा, हम भी थोड़ा स्वार्थी हैं, क्या करें।
रवि जस्सी जी गुड, क्या भाई, थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपको, सभी आप आभार प्रकट करते हैं, बस ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। और सुनिए, सबसे जो प्रसिद्ध भजन था इनका, आप लोग सुने हैं, एक लाइन सुनिए उसके। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको तो लगता है कि जैसा कैसेट में गाए उससे कहीं ज्यादा बढ़िया बढ़िया है। कुछ एक्स्ट्रा गाते गाते थोड़ा ना उसमें आ जाता है एक्स्ट्रा, गाने में इतना रम जाते हैं कि अपने आप ही अलग अलग चीजें अलग निकल अलग के है। संगीत है ही ऐसा चीज, और संगीत तो समुद्र है, इसमें जितना डुबकी लगाइए उतना आपके अंदर मिलता निखार मिलता जाएगा, मिलता आता जाएगा। है। तो आपका एक हिंदी गाना कोई हिट हुआ था, कुछ ध्यान है शायद? बहुत सारे गाने हैं भक्ति के अलावा, बहुत गाने भक्ति के हिट। अलावा कोई भी गाना जो आपको ध्यान हो, जो आपने गाया हो, वो एक लाइन सुनाइए। अभी तो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। पे जनिया मारे रे, अभी लेटेस्ट ये रिलीज हुआ अच्छा, ये था तीसरी से, तीसरी से। हाँ सुनेगा। तीसरी में तो महीना में लगता है पे दो चार आता जनिया रहे। हमारे रे जान मोरी, पे जनिया हमारे रे जान मोरी, पे जनिया, ऐसा पे जनिया मारे जान, ये है गाने का अब टाइटल। ये बड़ा एक संजोग है कि आप जब हमारे फेसबुक से लाइव हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पुरानी यादों को एक बार ताज़ा किया जाए, 1997-98 के पीछे चला जाए। सूर्या कंपनी में जो सबसे आपका फेमस जो प्यार के बुखार जो गाना एल्बम हिट हुआ था, छाजा बिहारी और मीनू अरोड़ा भी शायद देख रहे होंगे, तीनों लोगों का बड़ा कॉम्बिनेशन था, और संगीतकार रविदास थे उसमें, जी, जिनसे आज रविदास, तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं पता हुई। नहीं कहाँ गए। खैर, ईश्वर की कृपा होगी, जहाँ भी रहे हम लोग की शुभकामना है। उसमें का गाना जो आपका प्यार के बुखार वाला नहीं, उसमें से गाना जो हिट हुआ जो था, हाँ बोलो सासू भैया बी रामे राम, सासू बीड़ी ससुर गांजा, सासू बीड़ी ससुर गांजा, देवर पिए छे भांग, सासू बीड़ी ससुर गांजा, देवर पिए छे भांग, मुहे से आपन गोली चलावे, मुहे से आपन गोली चलावे, देह में नच समांग, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीता राम, राम। सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। ये गाना जो है ये अंगिका भाषा में है, अंगिका और भाषा, इसको लिखे थे सुनील छैला बिहारी, बहुत ही छैला जी का, प्रसिद्ध, और पहली बार अंगिका भाषा में कोई एल्बम रिलीज हुआ हिट हुआ था और हिट प्यार हुआ के था, बुखार जी, और सूर्या और कंपनी बहुत से ही जबरदस्त हिट हुआ था पूरे 96-97 की बात है, बहुत ज्यादा हिट हुआ बिहार। था। सुनील छैला बिहारी एकमात्र अंगिका गायक हैं, जी जी बिल्कुल, वो अंग प्रदेश से उनको जी नवाजा भी गया है, जी जी सम्मानित भी किया गया जी है, और इस समय काफ़ी उनका गाना सब हिट चलता है, बहुत सारा गाना उनका है। और मेरा सौभाग्य था कि मेरे जीवन का सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड और रिलीज हुआ 1996 में सूर्या कंपनी से, वो तृप्ति जी के साथ हुआ था, और भोजपुरी था, एल्बम का नाम था भोजपुरिया होली, और भोजपुरिया संजोग से होली, वो डुएट गाना था कि कैसा गाना था वो, सालाना कोठरिया में दो गाना था, दोनों गाना डुएट था। मुझे तो याद भी नहीं, उस होली याद हाँ, नहीं, काफी आइल लंबा बट समय हो गया। फागुन गोरी, हाँ, आइल आइल बट बट फागुन गोरी रंग बरसानी, हाँ आइल बट फागुन फागुन गोरी गोरी, रंग बरसानी, चलना कोठरिया में होली खेला दी, यही गाना था। इसके गीतकार थे हमारे बड़े आदरणीय भैया विनय बिहारी जी, उनका आशीर्वाद है, उनके देन है कि आज अगर हम यहाँ हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन काल में जी बिल्कुल, और हमारे संगीत के क्षेत्र में। हम उनको सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनका प्यार आशीर्वाद के बल पे हम आज बम्बई में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और उनकी कृपा से, और इसके अलावा भी बहुत हमारे गुरु जी हैं, श्री केशव कुमार मिश्र जी बिथिया के, उनका आशीर्वाद प्रेम है, हमारे माता पिता का सब आशीर्वाद है। तो आज हम लोग आप लोग से रूबरू हुए, बहुत सारा, देखिए बुरा मत मानिएगा, एसपी नेता यादव जी, अरविंद कुमार जी, हम लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं,
क्योंकि फिर नाम लेने में लग जाएंगे, फिर हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे फिर तो नाम ही पढ़ते रह नाम ही पढ़ते जाएंगे रहेंगे। इसलिए माइंड मत कीजिएगा, आपका नाम बाद में भी हम पढ़ देंगे, बस सुना देंगे सामूहिक रूप से सभी मित्रों को, मित्रों को, सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं हम आप और सबके। हमारे ये गाना आप सुने, इस गाने को आप जरूर पसंद कीजिएगा, मुझे जी लगता है कि ये गाना जरूर अच्छा जरूर। राइज करेगा। और 10:30 बजने वाले हाँ, हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं, और बस अपना प्यार दुलार यूं ही बनाए रखिए, और बस यूं ही हमारी तरफ से भी आप लोगों के लिए शुभकामना है। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए तंदुरुस्त रहिए, आप अपने कामों में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, हम लोग की शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू।